देख रहे हैं जगत दर्शन न्यूज। मांझी सारण थाना के अंतर्गत फतेहपुर सरैया में एक बीघा खेत में लगी करेला की फसल को काटकर बर्बाद कर दिया गया। पीड़ित राम रतन सिंह कुशवाहा एवं उनके पुत्र ने बताया कि मंगलवार के दिन हम लोग प्रतिदिन की भांति शाम को अपने खेत से घर आए, सब कुछ सामान्य था। उसी दिन रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों ने एक बीघा खेत में लगी करेला की फसल को बुरी तरह से काटकर बर्बाद कर दिया, जिससे मेरा महीनों का मेहनत बर्बाद हो गया। लगभग 1 लाख रुपए की क्षति हुई है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा मांझी थाने में एक आवेदन देकर मामले की जांच करने की बात कही गई है। मांझी थाना क्षेत्र के नरपालिया गांव के समीप स्थित गड्ढे में पैर फिसलकर गिरने के बाद गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। मृतक किशोर राम 70 वर्ष का स्थानीय नरपालिया गांव का ही रहने वाला बताया जाता है। उसके 2 पुत्र व 3 पुत्री हैं जिनकी शादी हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि मिट्टी काटने के कारण बने गड्ढे में डूब रहे मृतक को बचाने के लिए कई स्थानीय युवकों ने छलांग भी लगाई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतक के डूबने की खबर पाकर मांझी थाना पुलिस भी पहुंच गई तथा परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों ने जाल के सहारे शव को की न्यूज। डुमरी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी उषा देवी अपने समर्थकों के साथ लगातार दौरा कर रही हैं। इस क्रम में पंचायत डुमरी के दर्जनों टोला चौकिया गांव का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने बताया कि पंचायत का विकास ही मेरा पहला काम होगा, साथ ही पूर्व मुखिया स्वर्गीय महेश यादव का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है, जिससे मुझे पंचायत के हर क्षेत्र में भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं पूर्व मुखिया महेश यादव के पुत्र मिंटू यादव ने बताया कि पंचायत के हर क्षेत्र में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। पंचायत में अपने पिता के सपनों को पूरा करना मेरा पहला कार्य होगा। आज उषा देवी को हर जगह प्यार और सम्मान मिल रहा है। मांझी से राजीव सिंह की रिपोर्ट। 10 साल मुखिया रह चुके हैं डुमरी पंचायत का, जो उन्होंने कार्य किया वो 10 साल तक नहीं हो पाया है। जो मैं अपने पिताजी का अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं और हर लोगों से उनके प्रति बहुत समय और प्यार मिल रहा है मुझे, इसलिए जो भी काम बाकी रह गया उनके रीजिंग में हम उसे पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जहां विकास नहीं हुआ और भी हम विकास करेंगे, वहां जो उनका सपना था उस सपना को मैं साकार करूँगा। जनता के बीच आपका मतलब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे आशीर्वाद के तौर पर मेरे पापा का जो समय प्यार जीता था उनसे, आज वो लोग भी मुझे प्यार समय दे रहे हैं, उनसे बढ़ चढ़ के मेरे साथ आज लोग खड़े हैं।